कैलाश जी उन लोगों में से हैं दोस्तों जिनको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, नोबेल पीस प्राइज, और उन्होंने छोड़ दिया। आपको पता है कि नहीं, वो अवार्ड कैलाश जी ने अपने पास रखा नहीं है, उन्होंने डेडिकेट कर दिया है। ऐसा क्यों और किसके लिए? देखिए, मैं पहले से ये मानता था कि आप जब तक कुर्सी पे बैठे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन कुर्सी आपके अंदर बैठ जाए तो सारा पतन शुरू हो जाता है दिमाग में। इसी तरह जो मेडल है वो बाहर रहे तो अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में बैठ के जम जाए कोई भी पुरस्कार तो फिर बुरा हो जाता है। तिजोरी घर में रखी रहे ठीक है, दिमाग में भर जाए तिजोरी तो गड़बड़ है। तो जब ये हुआ तो पता लगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे पहले, सब जानते हैं कि नोबेल लॉरिएट थे साहित्य के, और उनका पुरस्कार चोरी हो गया था, उनका मेडल। तो प्रधान राष्ट्रपति जी से जब हम मिले, प्रणब मुखर्जी जी से, तो उन बहुत भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर कोई एक नोबेल मेडल नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो सब विदेशी बन गए थे, तो ले गए अपने अपना जहाँ के थे। तो हमारे मन में आया कि ये मेडल राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाए। तो हमने एक चिट्ठी लिख दी उनको, तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। और ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं था पूरी दुनिया में किसी ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार अपने राष्ट्र को समर्पित नहीं किया था। तो मैंने कहा कि ये तो भले ही ना किया हो, लेकिन कोई साधारण से साधारण भारतीय ये कर सकता है, मैं वो भारतीय हूँ और मैंने वो ले जाकर उनको सौंप दिया। और तब मैंने कहा कि देखिए, ये मेरे कारण नहीं है, जो भी मैं हूँ आज वो भारत की जनता के कारण हूँ। सुमित जी, आप जानते हैं कि आप जैसे पत्रकारों ने उस मुद्दे को हमारे साथ मिलकर उठाया, तो पत्रकारों का भी बहुत मैं कृतज्ञ हूँ, जिसके वजह से जो एक नॉन इशू था वो इशू बन पाया, जुडिशरी की वजह से, सबके वजह से। तो मैंने उनको दिया भारत की जनता के नाम, राष्ट्रपति जी को, और कहा कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, भारत माता के लिए। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मैंने दे दिया। ये है आइडियाज ऑफ इंडिया।